गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज है नवरात्रि का चौथा दिन और मैं जस्ट अभी पूजा के लिए रेडी हो रही थी। सो मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये साड़ी। एंड अभी मैं जस्ट जा रही हूँ बाल सेट करने, जल्दी से पूजा करूँगी। एंड पूजा करने में ऑलमोस्ट 1 घंटे लग जाते हैं, आरती वगैरह सब कुछ करने में। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट की ओर बढ़ेंगे। सो चलिए क्विकली मैं रेडी हो जाती हूँ। सो गाइस फाइनली पूजा मैंने कर ली है और अभी मैं जा रही हूँ जस्ट ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करने। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्जी एंड रोटी। सो चलिए क्विकली स्टार्ट कर लेती हूँ प्रिपरेशन करना। पर सबसे पहले मैं पीऊँगी नींबू पानी एंड देन आफ्टर आई विल डू ऑन माई वर्क। एंड अभी मैं मुझे प्रसाद भी खाना है, लेकिन सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं सब्जी कट कर लेती हूँ एंड उसके बाद मैं नींबू पानी पीऊँगी और प्रसाद खाऊंगी एंड देन आफ्टर आई विल डू माई अदर वर्क। तो चलिए मिलती हूँ आपसे मैं थोड़ी देर के बाद। तो खाने को टेस्टी बनाएंगे, मैंने यहाँ पर कुछ मिर्ची कट करी है जिसको मैं फ्राई करूँगी। बेसिकली मैं फ्राइड मिर्ची बनाने जा रही हूँ। तेल रख दिया था ऑलरेडी गर्म होने के लिए, अब इसमें मैंने मिर्ची डाल दी है। अब थोड़ा सा आमचूर पाउडर, नमक और नींबू का रस निचोड़ेंगे। आमचूर पाउडर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और नींबू का रस हम ऊपर से निचोड़ेंगे। तो गाइज मुझे ये फ्राइड मिर्ची इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि मैंने इतना सारा ले लिया है, पर मैं पूरा एक साथ नहीं खाऊंगी। सो गाइज इट्स लंच टाइम। तो लंच में आज मैंने लिया 1 कटोरी दाल, थोड़े से राइस, खीरा लिया है और मैंने फ्राइड मिर्ची जो बनाई थी एंड 1 प्लेट में दही लिया है। सो बस इतना लंच में लिए इनफ था, क्योंकि ब्रेकफास्ट में मैंने ऑलरेडी 2 रोटी और सब्जी खाई थी। हाय गाइस, सो फाइनली अभी मैंने अपना लंच कर लिया है और लंच में मैंने क्या किया था कि मैंने दाल बनाई थी जिसमें कि मैंने कुछ अंकुरित चने डाले थे दाल में, अरहर की दाल, और उसमें साथ में मैंने करेला भी डाला था। इससे क्या होता है कि करेले का भी प्रोटीन, इन करेले में बहुत हाई अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है, तो वो भी हमने इनटेक कर लिया दाल के थ्रू, हमें अलग से नहीं लेना पड़ा। सो मैं इस तरीके से करती रहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि खाने में आपको और सारी वैरायटी और ऑप्शन भी मिल जाती है और आपका दाल बोरिंग नहीं रहता। तो इस तरीके से खाने में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और खाने को टेस्टी भी बना सकते हैं अपने तरीके से, और आप उस तरीके से आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक है, आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग बेटर है या फिर डाइट कंट्रोल। सो मैं बात करूँ दोनों में तो बेसिकली कोई भी डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि आप अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करना चाहते हो। जैसे कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाले हो तो आपको लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट समझ में आएगा, या फिर आप डाइट कंट्रोल प्लान कर रहे हो तो वो भी लॉन्ग टर्म में समझ में आएगा। अगर आप आपको लगता है, आप अपने बैठ करके एनालिसिस करिए कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं,
तो अगर आपको लगता है कि हाँ आप कर सकते हैं देन यू शुड डू कंटिन्यू, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपसे ये नहीं हो पाएगा या फिर अभी तो मैं मतलब प्रेशर में आके या फिर मैं ऐसा रूटीन बना के 1 महीने या 2 महीने कर लूँ उसके बाद नहीं हो पाएगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसका फ़ायदा फिर आपको नहीं मिलेगा। तो आप जिस भी लाइफ स्टाइल को चेंज कर रहे हो उसको लॉन्ग टर्म के लिए करो, मतलब कि आप उसको हमेशा फॉलो करो। जैसे कि हमेशा सब लोग कहते थे कि मॉर्निंग में उठिए, लेकिन हम नहीं उठते थे। तो जो मॉर्निंग में उठता है वही उसका बेनिफिट जान सकता है, जो लोग नहीं उठते हैं उनको नहीं पता मॉर्निंग में उठने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसी तरीके से जो भी आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने वाले हो, आप पहले एनालिसिस कर लो कि आप इसको कंटिन्यू करने वाले हो या नहीं। अब बात करूँगी डाइट प्लान की। सो बेसिकली जो डाइट होती है, डाइट प्लान में क्या होता है हमारा, बेसिकली 3 टाइम का फूड होता है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। इसके अलावा बीच में आप कुछ ले सकते हैं थोड़ा बहुत, जैसे स्नैक्स टाइम में या फिर ब्रंच वगैरह इस तरीके से। एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि आपको 8 आवर्स की विंडो में खाना खाना होता है और 8 आवर्स की विंडो में आपको फास्टिंग रखनी होती है, सिर्फ आप पानी पी सकते हैं और कुछ नहीं। पहले मुझे लगता था इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट अ गुड ऑप्शन, मतलब मैं इतना देर तक अगर मुझे भूख लगी तो भी मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, ये कैसे हो पाएगा पॉसिबल। बट आई थॉट एंड आई रियलाइज कि नाइट के लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। मैं कई बार आपको इनफैक्ट सजेस्ट भी कर चुकी हूँ कि आपको शाम का डिनर हमेशा अपना पहले कर लेना चाहिए। और ये एकदम बेसिक टिप्स है वेट लॉस का, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड है, तो अपना शाम का डिनर जो है वो जितनी जल्दी फिनिश कर लीजिए, मैक्सिमम 7 से 8 बजे के बीच में अगर अपना डिनर कर लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन मिल जाएगा। आप मतलब फास्ट भी आप रख सकते हो उस टाइम पर, और वैसे भी उस टाइम पर आप कुछ खाएंगे नहीं, तो आप बहुत ही ईजिली जो है ना आपका खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा और आप वेट लॉस भी आसानी से कर पाएंगे। सो जो लोग भी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में इंटरेस्टेड है, उनको लगता है कि वो कर सकते हैं, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँ कि वो इस तरीके से कर सकते हैं कि शाम का डिनर अगर वो 6 बजे कर लेते हैं मैक्सिमम, तो उनको काफ़ी ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन मिल जाएगा। उसके बाद उन्हें रात भर में कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ पानी पी सकते हैं, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठ करके अपना यू नो एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद वो फ्रूट से अपने दिन की शुरुआत करें। इस तरीके से फिर वो अपने मतलब मील को ले सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है अगर आप इसको इस तरीके से फॉलो करते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये ख़राब है, क्योंकि हमारे डाइट रूटीन में भी यही चीज़ है कि शाम का डिनर जल्दी से जल्दी कर लेना है, ब्रेकफास्ट का टाइम मैक्सिमम 10 बजे तक हो जाना चाहिए, एंड लंच का टाइम 2 से 2:30 या 3 बजे के बीच में, एंड उसके बाद आपके डिनर का जो टाइम है वो मैक्सिमम 7:30 से 8 के बीच में आपका डिनर, मैक्सिमम 7:30 से 8:30 के बीच में आपका डिनर हो जाना चाहिए। सो बेसिक जो डाइट रूटीन का प्लान है उसमें भी यही चीज़ें हैं, और दोनों में ही कोई खास डिफरेंस नहीं है। कई बार चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में मैंने आपको कहा कि 6 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए मैक्सिमम, मतलब आप 7 भी बजा सकते हो, बट कोशिश करिए कि जितनी जल्दी आप फ्री हो जाइए, उसके बाद आपको काफ़ी लंबा ड्यूरेशन मिल जाएगा। तो उस टाइम पे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग के कुछ दिन, लेकिन अगर वो कंटिन्यू फॉलो करते तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा उनके लिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है आप नहीं कर पाओगे, या फिर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है, आप एक वर्किंग हो या फिर आप मदर हो, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तो आपको चूज़ करना होगा कि इन दोनों ऑप्शन में से आपके लिए कौन सा बेटर है। अदरवाइज दोनों ही सिमिलर हैं, बस हमको बेसिकली वेट लॉस में सिर्फ हमको ये डिटरमाइन करना होता है कि हम कितनी कैलोरी इनटेक कर रहे हैं और कितनी कैलोरी आउट कर रहे हैं, मतलब हम जितना खा रहे हैं उतनी मेहनत कर रहे हैं या नहीं, उतना वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल ऐसी होगी कि हम बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत वाला काम नहीं करते हैं। हम कार्ब्स वगैरह लेते हैं वो हमारी बॉडी में एज अ कैलोरी इनटेक हो जाती है, और उसके बाद हमें उस कैलोरी को बर्न करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, जो कि अपनी पसंदीदा चीज़ें कर सकते हैं, लाइक अगर आपको डांसिंग में इंटरेस्ट है तो आप डांसिंग कर लीजिए, या फिर एरोबिक्स वगैरह कर लीजिए, योगा कर लीजिए। इससे क्या होता है आपकी बॉडी में भी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बॉडी भी स्ट्रेचेबल होती है, साथ ही साथ आपका कैलोरी भी बर्न होता है, या फिर आप वॉकिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि मैंने आपको बेसिकली बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया हो कि व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड व्हाट इज अ डाइट मील प्लान। सो दोनों में बेसिक मैं कहूँगी तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस चीज़ को कैसे फॉलो करना है। और हाँ, आज एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि खीरा जो है वो उसमें बिल्कुल भी कैलोरी नहीं पाई जाती है,
तो जब भी आप बहुत से लोगों की आदत होती है मंचिंग करने की, कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है, तो मैं उनको यही कहूँगी कि वो अपने पास बल्कि खीरा लेकर के बैठे एंड डिटॉक्स वाटर भी बना सकते हैं। डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आप किसी भी बॉटल में, कलरफुल बॉटल ले लीजिए तो और अच्छा है, अदरवाइज़ मैं प्लास्टिक की बॉटल बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती, मैं स्टील की बॉटल ही यूज़ करती हूँ। तो उसमें आपको लेमन की स्क्वीज़ करके या कट करके दो तीन स्लाइसेस में डाल देना है, पुदीने की कुछ पत्तियाँ डाल देनी है और साथ ही साथ कुकुम्बर के भी दो तीन स्लाइसेस डाल देना है, और इसको रात भर छोड़ देना है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आपको इसको पीना है। तो अगर आप इस तरीके से इंटेक करते हैं तो ये भी वेट लॉस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और आप बहुत आसानी से वेट लूज कर पाएंगे। इसके अलावा आप चाहें तो अपना एक प्रिपेयर कर लीजिए, जैसे गर्मियों में मटके में पानी पीना बहुत अच्छा होता है, तो आप जब भी अपना मटका प्रिपेयर करें तो उसमें लेमन की कुछ स्लाइसेस, मतलब डेली बेसिस पे आप ऐसा करिए, 2 दिन आप रख सकते हैं, तो उसमें आप लेमन की स्लाइसेस एंड पुदीना वगैरह डाल करके ही रखें और उसी पानी को आप इंटेक करिए 2 दिन तक एटलीस्ट, और उसके बाद उस पानी को ड्रेन करके दोबारा से भरिए और दोबारा से ये सारी चीज़ें उसमें ऐड कर दीजिए। आपका डिटॉक्स वाटर रेडी हो जाएगा, आपकी बॉडी में जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें आपने खाई है वो सब आपकी बॉडी से आउट हो जाएगी, आपकी कैलोरी बर्न होगी और आप आसानी से अपना वेट लूज़ कर पाएंगे। चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करना भूल गई कि वेट लॉस के लिए हमें अपना डाइट पोर्शन कंट्रोल करना होता है, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करनी होती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि या तो आप डिटॉक्स वाटर पी रहे हैं या फिर मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक आपको कुछ ना कुछ ज़रूर लेना है, जो कि मैं बेसिकली आपको कई बार बता चुकी हूँ। एंड इसके अलावा आपको कुछ लेना है लाइक ग्रीन टी, ग्रीन टी मार्केट वाला मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आपको, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स वगैरह मिलाए जाते हैं। आप बेसिकली घर पर अपना इंडियन स्टाइल में काढ़ा बना सकते हैं, वो भी आपका एकदम बेस्ट ग्रीन टी है, या फिर जो भी डिटॉक्स, अगर आप लेमन टी प्रेफर करते हैं तो आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप पुदीना और पुदीने की चाय बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है वेट लॉस में, तो आप पुदीने की चाय बना सकते हैं, बट उसमें आपको शुगर नहीं ऐड करना है और चाय पत्ती बहुत ही लिटिल अमाउंट में ऐड करना है। मैं पर्सनली क्या करती हूँ, बेसिकली मैं काढ़ा बनाती हूँ जो कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हेडेक वगैरह हो तो उससे भी रिलीफ दिलाता है। इसके लिए आपको 1 कप पानी, 1.5 कप पानी गर्म करना होता है, और उसमें 1.5 कप पानी लेना, तो उसमें आपको 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 लौंग और थोड़ी सी चाय पत्ती डालनी होती है, या फिर लेमन ग्रास आप डाल सकते हैं। एंड इसके अलावा आप तुलसी की पत्तियां भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और जब ये एकदम पानी आधा कप हो जाए फिर आप इसको ड्रेन करके और इसमें थोड़ा सा आप या तो लेमन स्क्वीज कर लीजिए या शहद ऐड करके पी सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक काढ़ा तैयार हो गया आपका। मैं इस आपको शायद मैंने एक बार शेयर किया था ये, बट इस सीरीज़ में मैंने नहीं शेयर किया है बिकॉज इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं, और स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको ज़्यादा हेडेक इशू होते हैं या फिर अपने चाय कॉफ़ी पे वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बार बार वो चाय इनटेक करते हैं, तो चाय की जगह आप स्किप करिए इस ऑप्शन को, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके वेट लॉस में। अदरवाइज़ क्योंकि समर सीज़न चल रहा है तो आप डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं अगर आपको चाय की उतनी तलब नहीं है तो, लेकिन अगर आप चाय लवर हैं, आपको चाहिए ही होता है, तो आप चाय की जगह इस काढ़े को लीजिए। ये भी आपके हेडेक वगैरह में बहुत अच्छे से रिलीफ दिलाएगा, स्ट्रेस बूस्टर का काम करता है लेमन ग्रास, तो आपकी आपको स्ट्रेस वगैरह भी नहीं होगा। और बेसिकली हम इंडियंस को चाहिए होता है कि कुछ गर्म गर्म हम पीते रहें, चाहे वो कुछ भी हो, तो आप एक बार इसको पीना शुरू करेंगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी और आपको अच्छा लगने लगेगा। अदरवाइज़ ग्रीन टी तो ऑप्शन में है ही, तो एक बार आप पीने लगेंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा। और स्ट्रेस से बचने के लिए आपको हमेशा नेचुरल सराउंडिंग में मॉर्निंग में उठना चाहिए, और नेचुरल सराउंडिंग में यानी कि जहाँ पे ढेर सारी चिड़ियाँ बोलती हो, हरे भरे पेड़ पौधे हों, वहाँ कुछ देर ज़रूर एकांत में बैठना चाहिए, चाहे तो आप वहाँ मेडिटेशन भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प दिलाता है आपको स्ट्रेस से। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है वेट गेन करने का, इसलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। सो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कल की वीडियो में कि स्ट्रेस कैसे वेट गेन को इंक्रीज करता है इस बारे में। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।